हेलो फ्रेंड्स, रोया सिंडे के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू एसआई 2023 जो कि पीटी पीएसटी एडमिट कार्ड 2023 का जो कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जिनके 4 दिन पहले एग्जाम है। 4 दिन से पहले ही एडमिट कार्ड जो कि रिलीज होने थे वो रिलीज हो चुके हैं। तो आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ आप एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम सेंटर पर क्या क्या आपको लेके जाना है पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें आ जाना है, जो कि SSCNR.NIC.IN के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। कुछ वेबसाइट का इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखने के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन, इसका लिंक जो कि मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे, वहाँ पे हमें आना है एडमिट कार्ड वाले सेशन पे। यहाँ पे है चेक आवर, चेक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन का स्टेटस दे सकते हैं। और यहाँ पता है सेकंड नंबर डाउनलोड यावर एडमिट कार्ड, तो हमें डाउनलोड यावर एडमिट कार्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और साथ साथ में क्या लेने जाना है वो आगे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे जो कि हमारी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, एडमिट कार्ड फॉर कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार से इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ जाएंगे, क्या एडमिट कार्ड के साथ हमें क्या लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड कंडक्ट मेट फी ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको साथ में ले जाना है, जिस पर डेट ऑफ बर्थ पूरा अच्छी तरह प्रिंट होना चाहिए। एडमिट जो कि आपका एडमिट कार्ड होगा, आईडी प्रूफ के अंदर आप ले जाना है, डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए आप उस ओरिजिनल आईडी कार्ड डेट ऑफ प्रूफ ले जाना है। क्या क्या ले जा सकते हैं उसकी जगह वो भी आप आगे देखेंगे। इन केस ऑफ अगर मिसमैच होता है तो डेट ऑफ बर्थ में अगर आपकी मिसमैच में होता है तो वो भी हम आगे देखेंगे, नहीं तो अगर मिसमैच होता है तो आपको भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस पर एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद को आप इस तरह से इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे जाने से पहले पहले अगर आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इन तरीकों से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 3 तरीके हैं। पहला, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप इसमें सर्च कर सकते हैं। दूसरा है, आप अपना रोल नंबर जानते हैं तो रोल नंबर और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप इसमें सर्च करके एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अगर वो दो कोई भी चीज़ आप नहीं जानते इनमें से तो आप थर्ड ऑप्शन आता है, आपका खुद का नाम, आपका फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों आपको डाल के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने फादर नेम लिखेंगे, जो भी अपनी डेट है वो डेट यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद महीना यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ईयर है जो कि सिलेक्ट करेंगे, जिस ईयर से आप हैं वो सिलेक्ट करेंगे और सर्च स्टेटस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप डालने का डिटेल बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका फिदा नेम, आपका फोटो और इधर साइन आपको मिल जाएगा, मेल है फिर वो आपका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, आपका किस तारीख को एग्जाम है, कहाँ पे सिटी है और किस पर अगर रिपोर्टिंग कर रही है, किस टाइम पे कर रही है, डाउनलोड करने का स्टेटस आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पे आपको क्लिक हर टू प्रिंट एडमिट कार्ड, प्रिंट डुप्लीकेट एडमिट कार्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड कुछ प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको सारी डिटेल मेल देखने को मिल जाएगी, जो कि कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 का एडमिट कार्ड है। रोल नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आपका आ जाएगा, पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। साथ में परीक्षा तिथि आपको यहाँ पर दो मिल जाएगी और उपस्थिति होने का टाइम और प्रवेश बंद होने का टाइम यहाँ पर लिख जाएगा। तो इन दिनों को ध्यान रखना है, प्रवेश उपस्थिति से पहले ही आपको सेंटर पहुँच जाए, नहीं तो वहाँ पर सेंटर पर क्योंकि एंट्री जो होगी आपकी 1.5 घंटे की एंट्री होने वाली है, एंट्री का भी ध्यान रखना है, नहीं तो गेट बनने के बाद आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा, इसी समय का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नाम, आपका जो कि है जन्मतिथि सभी देखने को मिल जाएगी, फोटो जो आपके एड्रेस है वो सभी मिल जाएगा और एग्जाम डेट कहाँ की है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, किस टाइमिंग पेपर होगा, परीक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो कि पेपर होगा वही जो हमने पहले देखे इंट्रक्शन, वही इंट्रक्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज के जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, जो कि रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल की एबिलिटी के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, MS Excel, वर्ड एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब और इंस्ट्रक्टर के आएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 90 मिनट में आपको इस क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे करने हैं। इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे दिस प्रिंट आउट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बना के आपको ध्यान रखना है कि ये पीडीएफ जो आप बनाएंगे A4 साइज पेपर में ही बनाएं, क्योंकि आप इसमें आपका पूरा एडमिट कार्ड आ सके। आने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है, जो भी इसका नाम जो आप देना चाहते हैं उसका नाम आप देख सकते हैं, जिसमें लिख दिया एडमिट कार्ड SSC CPO, तो ये डाल के आप सेव कर लीजिए। और उसका अगर प्रिंट देना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं, इतने बार से ये सेव हो जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड होकर आ जाएगा, आपने सेव कर लिया है तो इस प्रकार से एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट में आ जाएगा, उसका प्रिंट ले लेना है। उसके बाद आपको साथ में क्या लेके जाना है, बाद में बात आती है आपको सेंटर पे क्या क्या साथ में ले जाना है। आपको एक दो फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ फोटो लेके जानी है, जो रिसेंट की होनी चाहिए, या जो कि एडमिट कार्ड पर आपने जो कि आप लगाई थी वो फोटो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें साफ आपने 6 महीने पुराना फोटो नहीं लगाया है, इसलिए आपको फोटो लेके जाना है साथ में।
तो आपको वो फोटो साथ में ले जाना है, फोटो जो कि एकदम सही होनी चाहिए क्लियर। तो दो फोटो आपको इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक फोटो तो आपको जो कि है आपकी जो कि कमीशन कॉपी मिलेगी वहाँ पे आपको लगेगी। अगर आपको कोई मिसमैच होता है अगर वेरिफिकेशन में अगर किसी में भी, तो आपको एक फॉर्म अलग से भरा जाता है, तो उसके अंदर भी एक फोटो आपकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप गलती ना हो इसलिए दो फोटो लग जाएँ, वैसे एक फोटो से भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि जो कि कमीशन कॉपी पे लगेगी। उसके बाद साथ में ले जाना है ओरिजिनल आईडी कार्ड। ओरिजिनल कार्ड में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। मेनली आपको आधार कार्ड इसलिए लेकर जाना है क्योंकि आधार कार्ड में आपका पूरा नाम, आपके पिता का नाम और आपके साथ में साथ आपके अंदर उसमें जो कि डेट ऑफ बर्थ पूरा सही तरह मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सन मेन खाली स्केल सन मेंशन है तो सन मेंशन नहीं ध्यान रखना है, आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने होना चाहिए जिसमें आपका पूरा डेट महीना और जो कि ये ईयर पूरा लिखा होना चाहिए और साथ में पीछे जो एड्रेस है एकदम सही तरह लिखा होना चाहिए जो कि मैच करता हो आपके जो कि एडमिट कार्ड से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप आधार कार्ड एक ले जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप कुछ के पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं क्योंकि पैन कार्ड में भी आपका नाम, आपका पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह मेंशन होता है, इसलिए वो चीज़ भी आप ले जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह आप वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में भी आपका आपका नाम, पूरा नाम, पिता का पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूरा तरह से तरह मेंशन होता है। अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह आप अपना जो कि ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पर भी आपका पूरा नाम, आपके पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा सही तरह मेंशन होना चाहिए जो कि आप एडमिट कार्ड जो कि फॉर्म में आपका है उसमें सेम मेंशन हो, मतलब फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ डाली वो और जो कि आपका जो कि है जो ओरिजिनल आईडी कार्ड पे है वो भी होना चाहिए। अगर इनमें से भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी आप एडिशनल में, मतलब मान लीजिए आपका आधार कार्ड में अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड तो ले जाना है, साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आप साथ में ले जा सकते हैं क्योंकि 10th क्लास की जब मार्कशीट ले जाते हैं उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो सकता है होता है, तो वो ओरिजिनली डेट ऑफ ले फोटो वो लेके जानी है जो कि आपका जो कि ओरिजिनल आईडी कार्ड है, अब मार्कशीट है 10th क्लास की, वो आपको साथ में इसको लेके जानी है। तो आपका हो गया, तो ये आपको जब उस केस में लेके जाना है जिस केस में जबकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा हो, तो उसके प्रूफ के लिए तो आप पूरा लिखा हुआ नहीं हो आधार कार्ड पे और या पैन कार्ड पे किसी पे पूरा फोटो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हो, तब आपको जो कि 10वीं मार्कशीट ले जानी, नहीं तो आपको 10वीं मार्कशीट नहीं ले जानी। मेनली आप ले जाना चाहे तो दो आईडी कार्ड प्रूफ लेके जाइए, नहीं तो आपका एक आधार कार्ड अगर पूरा सही है और आधार कार्ड वो भी ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट लेके जा रहे हैं, ओरिजिनल वाला आईडी कार्ड लेके जाना है नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। और फोटो को भी आपको लेके नहीं जानी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ओरिजिनल चीज़ें लेके जानी है। तो इसलिए आपने देखा कि साथ में आपको मेनली मैं बता देता हूँ रफली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। आपको लेके जानी दो फोटो लेके जानी है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जानी है, आपका अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ में ऐसी कोई एडिशनल चीज़ लेकर नहीं जानी है और पेन उन भी आपको लेकर नहीं जाना है क्योंकि पेन आपको सेंटर पे ही मिलेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपकी यहाँ पे जो कि चीज़ें हो गई है, एक तो आपका एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो, एक आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल, ये चीज़ें आपको साथ में कैरी करके वहाँ पे सेंटर पे ले जानी है और कोई भी ऐसा गैजेट लेके नहीं जाना है। और जो कि ड्रेसिंग कोड रहेगा वो भी एकदम नॉर्मल ड्रेसिंग कोड ले जानी है जो कि स्टाइल के बटन वाले को जींस वंस मतलब वैसा पहन के ना जाइए जिसमें जो कि लोहे से रिलेटेड या स्टील से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, तो वो चीज़ें आपको ले नहीं जानी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि SSC CPO SI की जो कि एग्ज़ाम है इसके अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जो कि क्या क्या लेके जाना है पूरा इसमें वीडियो में हमने देखा। अगर फ्रेंड्स फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि हमें एग्जाम सेंटर पे और क्या लेके जाएं क्या लेके नहीं जाएं, तो उसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।